All right, let's cut across to Ravi Shankar Prasad, the BJP leader. सुप्रीम कोर्ट के इस एसआईटी को प्रोटेस्ट किया गया तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये मजिस्ट्रेट के सामने से ये रिपोर्ट जाएगी, आप चाहे तो प्रोटेस्ट पिटीशन कर सकते हैं। तो ये जाफरी की और तीस्ता से तलवार और ये सारा जो गैंग है पूरा लेफ्टिस्ट लिबरल्स कांग्रेस सपोर्टेड, इन लोगों ने पूरा वहां पर अपनी गवाही दी, दस दस सतर बूंद खिलाए, मजिस्ट्रेट ने उसको रिजेक्ट किया, उसके खिलाफ हाईकोर्ट गए, ये लोग हाईकोर्ट ने उसको रिजेक्ट किया, उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट आए और यहां उनके वकील थे श्रीमान कपिल सिब्बल साहब, आज दस दिन बहस किए पिछले सात सितंबर अक्टूबर में, उसका फैसला आज आया है और सुप्रीम कोर्ट ने जो दो तीन बहुत महत्वपूर्ण बातें कही है कि इसमें कोई दम नहीं है, बल्कि मैं चाहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट की कुछ टिप्पणी आपके सामने पढ़ूं। वी होल्ड द अपील इज डिवॉइड ऑफ मेरिट्स एंड डिजर्व्स टू बी डिसमिस्ड इन द फोर्सफिट ग्राउंड। और देखिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, द प्रोसीडिंग हैव बीन परस्यूड फॉर लास्ट 60 ईयर्स टू कीप द पॉइंट बॉइलिंग ऑब्वियसली फॉर अल्टीरियर डिजाइन। जानबूझकर करके कुछ लोग पड़े हुए थे कि इसको हमेशा जिंदा रखा जाए और सुप्रीम कोर्ट ने और क्या कहा है, इट अपियर्स टू अस दैट ए कॉलेज एफर्ट ऑफ द डिसग्रंटेड ऑफिशियल्स ऑफ द स्टेट ऑफ गुजरात अलॉन्ग विथ अदर्स वॉज टू क्रिएट सेंसेशन बाय मेकिंग रेवलेशन विच आर फॉल्स टू देयर ओन नॉलेज। झूठे जानकारी पर नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ कार्रवाई करने की कोशिश, और बहुत सारी टिप्पणियां हैं। अब यह होगा कि इन लोगों ने दुनिया में कैंपेन चलाया, क्योंकि उनके कई कुछ मामलों में मैं सुप्रीम कोर्ट में वकील भी था उस समय, और याद रखिए हमारे पत्रकार मित्रों, ये सारा इन्वेस्टिगेशन यूपीए सरकार में हुआ, 14 के पहले हुआ, 11 12 9 ये आप स्पष्ट जान लें, क्योंकि यूपीए सरकार और कांग्रेस पार्टी का एकमात्र उद्देश्य था कि नरेंद्र मोदी जी को किसी प्रकार रोकना है, कहीं वो सफल नहीं हुए। याद करिए इन लोगों ने कैंपेन किया कि मोदी जी को यूएसए का वीसा नहीं मिलना चाहिए, याद है आपको, एक इलेक्टेड मुख्यमंत्री और बाद में भारत के प्रधानमंत्री के रूप में अमेरिका और भारत के संबंध कितने ऊंचाई पर है आपको नहीं जानते, कि आज हमें बहुत गर्व है कि नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में भारत को दुनिया में एक बहुत विशेष स्थान मिला है। आज हम कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहते हैं, आज हम वामपंथियों से पूछना चाहते हैं और आज हम सभी कॉटेज इंडस्ट्री से पूछना चाहते हैं जिनकी पूरी दुकान पिछले 20 साल से नरेंद्र मोदी जी के विरोध पर चल रही थी, अब कितनी देर और चलेंगे आप? 60 इन्वेस्टिगेशन तो हो गया, 12 साल प्रधानमंत्री, 12 साल मुख्यमंत्री, 9 साल प्रधानमंत्री, सुप्रीम कोर्ट बार बार रिजेक्ट करता है और बस वही तीसता से तलवार, उनके लेफ्टिस्ट फ्रेंड एक विधवा जो जाफरी जी उनके पति की दुर्भाग्यपूर्ण उस पूरे राइट में शेष हो गए थे। तो ये क्या मतलब है, हम देश को बताएंगे कि किस तरह से कुछ लोगों की दुकान चली है और उसके पीछे कांग्रेस पार्टी वामपंथी यूपीए आरजेडी सबों का सहयोग और प्रश्न रहा, और ये लोग बार बार रिजेक्ट होते हैं, बार बार असफल होते हैं, लेकिन फिर भी
प्रयास नहीं छोड़ते। इसलिए कानून तो जो अपना काम कर रहा है करेगा, लेकिन हम लोग का एक विचार हुआ कि देश को इस निर्णय की सच्चाई को बताना जरूरी है। ये षड्यंत्र जो देश के लोकप्रियतम नेता नरेंद्र मोदी के खिलाफ किया गया, जो 2001 से चल रहा था आज तक चल रहा है, वो अब समाप्त होना चाहिए। और एक बात और ध्यान रखिए, वो कोर्ट में भी हारे हैं और वो जनता की अदालत में भी हारे हैं। ये बात मैं बहुत जनता से कहना चाहूंगा, वो कोर्ट में भी हारे हैं और वो जनता की अदालत में भी हारे हैं। गुजरात में मोदी जी हमेशा विजय रहे, वो 14 जीते, वो 19 जीते, आगे फिर 24 जीतेंगे। उत्तर प्रदेश में भी जीते हम, दोबारा जीते उत्तर प्रदेश में। तो इसीलिए ये सच्चाई देश के सामने आनी चाहिए। और अंतिम बात जिसको कह के मैं आपके प्रश्नों का स्वागत करूंगा कि मोदी जी ने 20 साल के टॉर्चर में कभी अपनी शांति नहीं खोया। उनका लक्ष्य एक था कि मुझे देश के विकास के लिए काम करना है, गुजरात के विकास के लिए काम करना है, और वो काम करते रहे और सच्चाई सामने आती रही, न्याय प्रक्रिया के द्वारा या जनता के द्वारा। बहुत बहुत धन्यवाद। हम एक एक करके प्रश्न लेंगे। आज मैं बहुत जनतापूर्वक आग्रह करूंगा, यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, इसी पर सवाल करें तो बड़ी कृपा। इसी से रिलेटेड पहले एक सेकंड रुक जाइए, आग्रह कर रहे हैं इस विषय से संदर्भित साकेत जी। हो जाओ। चलिए, मैं तो बहुत प्रसन्न हूं कि आपने इस विषय को ठीक से समझा, सुना, और मुझे लगता है कि उन्होंने इसको प्रसारित भी किया होगा। और अपने प्रिंट के लोगों से भी मेरा आग्रह है कि सिंस इट इज ए न्यूज ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस विच वी फील इट इज, इट शुड बी गिवन द सेम काइंड एक्सपोजर फ्रॉम पटना फॉर नेशनल पायलट। लैंडमार्क जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का आज का, तो आपको हम लोग से बात कर रहे हैं, हम लोग के माध्यम से जनता तक जाएगी। लेकिन एक सवाल ये है कि पार्टी के स्तर से कोई राष्ट्रीय स्तर पर कोई कार्यक्रम करेंगे ताकि आम लोगों को पार्टी से डायरेक्ट उसको जानकारी दी जाए कि देश को गुमराह किया गया या पब्लिक को मिसलीड किया गया या उसका अंतिम एडवांटेज देने की कोशिश की। जजमेंट आज हुआ है, जजमेंट आज हुआ है, तो आज जजमेंट की वो जजमेंट कहाँ है? और देखिए, ये काफी पतला जजमेंट है, मैं इसको लेकर आया तो इसको पढ़ करके इसका नोट बनाना पड़ा। इसके बारे में पार्टी जरूर विचार करे, और ये बात मैं बहुत विनम्रता से कहूंगा, ये सच्चाई देश के सामने आनी चाहिए। देखिए, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, भारत में इतने राइट हो, कांग्रेस के रिजिम में गुजरात में 50 राइट हुए, यूपी में हुए, राइट कहीं भी हो गलत है तो राइट पे जो दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, और गुजरात में भी की गई है। लेकिन ये पूरी कार्रवाई नरेंद्र मोदी के खिलाफ दुश्मनागत की कार्रवाई, उनको बताना है।